पाठ आठ। पाठ का नाम है आनंद ही आनंद। बातों बातों में वह कौन सी जगह है जहां तरह तरह के जानवरों को रखा जाता है? आपको बताना है कि वो कौन सी जगह है जहां पर तरह तरह के जानवरों को रखा जाता है। वो जगह कौन सी होती है? चिड़ियाघर, जहां पर तरह तरह के जानवरों को, अलग अलग तरह के जानवरों को रखा जाता है, उसे चिड़ियाघर कहते हैं। आपके घर में कौन सा समाचार पत्र आता है? आप सबको बताना है कि आपके घर में कौन सा न्यूज़पेपर आता है। समाचार पत्र में आपको क्या पढ़ना अच्छा लगता है? समाचार पत्र में आप कौन कौन सी चीजें पढ़ते हैं वो आपको बताना है कि आपको कहानी पढ़ना अच्छा लगता है या आपको खबरें पढ़ना अच्छा लगता है या पजल्स वगैरह जो आपको अच्छा लगता है वो आप बताएंगे। चिड़ियाघर में कई तरह के पशु पक्षी रहते हैं। यह कहानी चिड़ियाघर में रहने वाली शेरनी की है। आपको बता रहे हैं कि ये कहानी किसके बारे में है। चिड़ियाघर में कई तरह के पशु पक्षी रहते हैं और यह कहानी चिड़ियाघर में रहने वाली शेरनी की है। एक शेरनी के बारे में ये कहानी है। वह अपने पिंजरे में घुस आए पिल्ले के साथ खेलती है। पिल्ला यानी कुत्ते का बच्चा जो होता है उसको पिल्ला बोलते हैं। वह अपने पिंजरे में घुस आए पिल्ले के साथ खेलती है, उसका ध्यान रखती है, फिर पिल्ले के दूर जाने पर खाना पीना बंद कर देती है। ये कहानी एक शेरनी के बारे में है जिसके पिंजरे में एक पिल्ला आ जाता है और वो उसका बहुत ध्यान रखती है, लेकिन जब पिल्ला दूर चला जाता है तो वो खाना पीना बंद कर देती है। तो ये कहानी उसके बारे में है। अब पाठ शुरू करते हैं। कल हम चिड़ियाघर देखने गए थे। फाटक से घुसकर थोड़ी दूरी पर ही गए थे कि शेर की भयंकर गर्जन सुनाई पड़ी। गर्जन यानी जोर की आवाज। कुछ लोगों के इधर उधर भागने का दृश्य भी सामने आया। आपको क्या बता रहे हैं यहाँ पर, ये एक फैमिली बनी हुई है, वो बता रहे हैं आपको, कहानी सुना रहे हैं कि कल हम चिड़ियाघर देखने गए थे, फाटक से घुसकर थोड़ी दूरी पर ही गए थे। फाटक जहाँ पर ट्रेन वगैरह आती है वहां जो फाटक बना होता है उसके पास ही चिड़ियाघर है। तो वो जैसे ही थोड़ी दूर पर गए शेर की जोर की आवाज उन्हें सुनाई पड़ी और कुछ लोगों के इधर उधर भागने का भी दृश्य सामने आया कि उनको दिखाई दिया कि कुछ लोग इधर उधर भाग भी रहे हैं। हम डर गए कि कहीं शेर पिंजरे से बाहर आकर किसी पर झपट तो नहीं पड़ा। जब उन लोगों ने देखा कि लोग इधर उधर भाग रहे हैं तो उन्हें अपने अंदर ऐसे लगा कि शायद शेर जो है वो अपने पिंजरे से बाहर आ गया है और कहीं उसने किसी पर हमला तो नहीं कर दिया, इसलिए वो भी डर गए। हम डर गए कि कहीं शेर पिंजरे से बाहर आकर किसी पर झपट तो नहीं पड़ा। फिर दो रोते हुए बच्चों की उंगली पकड़े उनके पिता उन्हें घसीटते हुए ला रहे थे। उनकी माँ पीछे पीछे आ रही थी। वो बता रहे हैं पहले कि हम डर गए कि कहीं शेर जो है वो अपने पिंजरे से बाहर आकर उसने किसी पर हमला तो नहीं किया। फिर उन्होंने देखा कि दो रोते हुए बच्चों की उंगली पकड़कर उनके पिता उन्हें जबरदस्ती घसीटते हुए ला रहे थे। आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि उनके जो पिता हैं वो दोनों का हाथ पकड़कर और उनको जबरदस्ती घसीट कर ले जा रहे हैं और पीछे पीछे उनकी माँ आ रही है। पूछने पर पता चला कि एक शेरनी पिछले 3-4 दिन से भोजन नहीं कर रही है। उसके पिंजरे में जैसे ही कोई घुसता है वह खूंखार रूप धारण कर लेती है और उस पर झपटती है। पूछने पर पता चला कि शेरनी जो है वो पिछले 3-4 दिन से भोजन नहीं कर रही। शेरनी ने 3-4 दिनों से खाना नहीं खाया। उसके पिंजरे में जैसे ही कोई घुसता है, कोई भी उसके पिंजरे में घुसता है, चाहे वो चिड़ियाघर का कोई व्यक्ति है, जो भी उसके पिंजरे में घुसता है वह खूंखार रूप धारण कर लेती है। खूंखार का मतलब होता है भयानक रूप धारण कर लेती है, यानी बहुत डरावना रूप ले लेती है और उस पर झपटती है। और जो भी चिड़ियाघर में आता है, जो भी उसके पिंजरे में घुसने की कोशिश करता है, वह उस पर हमला करने की कोशिश करती है। चिड़ियाघर वाले भयभीत हैं, चिड़ियाघर वाले डरे हुए हैं। भयभीत का मतलब डरा हुआ। चिड़ियाघर वाले भयभीत हैं। बच्चे उस शेरनी के पिंजरे के पास थे, वे बहुत डर गए हैं और घर जाने के लिए रो रहे हैं। हमने थोड़ा बहुत चिड़ियाघर देखा और लौट आए। लौट आए मतलब वापिस आ गए। 2 दिन बीत गए। प्रातः का समय था, यानी सुबह का समय था,
दादाजी, यहाँ आपको पिक्चर में दिख रहा है, दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। दादाजी समाचार पत्र पढ़ रहे थे, अचानक वे जोर जोर से आवाजें लगाने लगे, बच्चों जल्दी इधर आओ, जल्दी आओ। बच्चे क्या थे, पहले उस शेरनी के पिंजरे के पास थे और वो बहुत डर गए और घर जाने के लिए वो बच्चे रोने लगे। उसके बाद हमने थोड़ा बहुत चिड़ियाघर देखा और हम वापिस आ गए। 2 दिन बीत गए और प्रातः का समय था, यानी सुबह का समय था। दादाजी अखबार पढ़ रहे थे, अचानक अखबार पढ़ते पढ़ते वो जोर जोर से आवाजें लगाने लगे कि बच्चों जल्दी इधर आओ, जल्दी आओ। मैं और मेरी छोटी बहन वैदई, ये बहन का नाम है उसकी, मैं और मेरी छोटी बहन वैदई भागते हुए दादाजी के पास जा पहुंचे। मैं और मेरी बहन फटाफट भागते हुए दादाजी के पास आ गए। दादाजी ने समाचार पत्र दिखाते हुए कहा, देखो यही शेरनी उस दिन अपनी गर्जना से भयभीत कर रही थी। दादाजी ने समाचार पत्र उनको दिखाते हुए कहा कि देखो देखो यही शेरनी थी जो उस दिन अपनी इतनी डरावनी आवाज से सबको डरा रही थी, जोर से आवाज करके सबको डरा रही थी। आज कितनी शांत है, कुत्ते के बच्चे से खेल रही है। दादाजी ने समाचार पत्र दिखाते हुए कहा कि देखो ये वही शेरनी है, जब हम चिड़ियाघर में उसे देखने गए थे तो वो जोर की आवाज कर जोर से गुर्राकर सबको डरा रही थी, और आज ये कितनी शांत है, कुत्ते के बच्चे के साथ खेल रही है। मैंने चकित होकर पूछा, यानी मैंने हैरान होकर पूछा, कुत्ते के बच्चे से? क्या शेरनी कभी कुत्ते के बच्चे के साथ खेल सकती है? दादाजी हंसते हुए बोले, हाँ कुत्ते के बच्चे से। यह पिल्ला कुछ दिन पहले किसी तरह रक्षकों की नजर बचाकर, रक्षकों यानी जो रक्षा करने वाले होते हैं उनसे नजर बचाकर पिंजरे में घुस गया। दादाजी उन्हें हंसते हुए बता रहे हैं कि हाँ कुत्ते के बच्चे के साथ शेरनी जो है वो खेल रही है, और यह पिल्ला कुछ दिन पहले किसी तरह रक्षकों की नजर बचाकर पिंजरे में घुस गया। शेरनी सो रही थी, पिल्ला शेरनी पर चढ़ गया और उसके बालों से खेलने लगा। शेरनी की नींद खुल गई। आपको यहाँ पिक्चर में दिख रहा है कि यहाँ ये शेरनी है और इसके ऊपर ये पिल्ला है। शेरनी पर चढ़ गया और उसके बालों से खेलने लगा। शेरनी की नींद खुल गई, उसने पिल्ले को देखा, सूंघा और उसे चाटने लगी। पिल्ले को भी शेरनी का इस तरह प्यार करना अच्छा लगा, वह खुशी खुशी शेरनी पर कूदने लगा। शेरनी भी प्रसन्न थी, दोनों को एक दूसरे का साथ मिल गया था। जब दादाजी ने बताया कि कुत्ते का बच्चा शेरनी के पिंजरे में आ गया, तो दादाजी ने उन्हें क्या बताया कि यह पिल्ला कुछ दिन पहले रक्षकों की नजर बचाकर पिंजरे में घुस गया था। तब शेरनी सो रही थी, पिल्ला शेरनी पर चढ़ गया और उसके बालों से खेलने लगा। शेरनी की नींद खुल गई, उसने पिल्ले को देखकर सूंघा और उसे चाटने लगी। पिल्ले को भी शेरनी का इस तरह प्यार करना अच्छा लगा, वह खुशी खुशी शेरनी पर कूदने लगा। शेरनी भी प्रसन्न थी, यानी शेरनी भी खुश थी, दोनों को एक दूसरे का साथ मिल गया था। रक्षकों ने भोजन देते समय देखा कि शेरनी पहले मांस का एक टुकड़ा पिल्ले को देती, फिर वह खुद खाती। जब रक्षक उसे खाना देते, उसे मांस या जो भी उसे खाना दिया जाता, तो वो पहला टुकड़ा पिल्ले को देती और उसके बाद खुद खाती। रक्षकों ने आंखों आंखों में इशारा किया कि शेरनी इसे अपना बच्चा समझ रही है। जो वहां के रक्षक थे, जो सेवा करने वाले थे, जो उनकी रक्षा करने वाले थे, उन्होंने एक दूसरे को इशारा किया कि शेरनी जो है वो कुत्ते के बच्चे को अपना बच्चा समझ रही है। जब इसे समझ आएगा तब कहीं शेरनी पिल्ले को मार ना दे। तो वहां रक्षकों को लगा कि जब शेरनी को यह पता लगेगा कि यह इसका बच्चा नहीं है,
तो हो सकता है कि वह इसे इस पिल्ले को मार दे। उन्होंने जब शेरनी को खाने में व्यस्त देखा तो चुपचाप पिल्ले को उठाकर पिंजरे से बाहर ले गए। जब उन्होंने देखा कि शेरनी खाना खाने में व्यस्त है, खाना खा रही है, तो उन्होंने चुपचाप पिल्ले को उठाया और पिंजरे से बाहर ले गए। शेरनी भोजन समाप्त कर गुर्राई, इधर उधर देखा, पिंजरा कहीं, पिल्ला कहीं नजर नहीं आया। उसके बाद से वह गुर्रा रही थी, गरज रही थी और खाना पीना बंद था। शेरनी भोजन समाप्त कर गुर्राई, यानी गुस्से में उसने आवाज निकाली, इधर उधर देखा, पिल्ला कहीं नजर नहीं आया, क्योंकि रक्षकों ने उस पिल्ले को वहां से दूर कर दिया था। जब उसने अपना भोजन खत्म होने के बाद देखा तो उसे पिल्ला कहीं भी नजर नहीं आया। उसके बाद से वह गुर्रा रही थी, जोर से आवाज कर रही थी, गरज रही थी, बहुत गुस्से में थी और उसने खाना पीना बंद कर दिया था। उधर पिल्ला भी परेशान था। जब पिल्ला वहां से चला गया तो शेरनी भी बहुत परेशान हो गई और पिल्ला भी परेशान हो गया, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ खेलने लगे और एक दूसरे के साथ अपना समय बिता रहे थे। इस तरह से 4 दिन बीत गए। रक्षक भयभीत थे कि शेरनी बिना खाए पिए रही तो बीमार हो जाएगी। अगर हम खाना पीना बंद कर देते हैं तो हम भी बीमार हो जाते हैं। तो रक्षकों को, वहां के जो लोग थे, उन्हें यह डर था कि अगर शेरनी कुछ खाएगी नहीं तो वह बीमार हो जाएगी, उनकी तो नौकरी ही चली जाएगी। जब उनको वहां शेरनी की सेवा करने के लिए रखा हुआ है, अगर वहां के रक्षक उसे खाना नहीं खिला पाएंगे तो वो बीमार हो जाएगी और जो चिड़ियाघर वाले हैं वो उन्हें नौकरी से बाहर कर देंगे। फिर उन्हें लगा कि अब वो इस चीज का क्या हल निकालें, क्या करें। पिल्ला निकाला तो था पर गया कहाँ। उन्हें ये लगा कि उन्होंने पिल्ले को पिंजरे से तो बाहर कर दिया, लेकिन वो पिल्ला गया कहाँ। पूरे चिड़ियाघर में शोर मच गया। तभी पता चला कि पिल्ला घूमता घूमता चिड़ियाघर से बाहर चला गया था। जब रक्षकों ने पिल्ले को पिंजरे से बाहर किया तो उसके बाद वो वहां से चला गया और रक्षकों को लगा कि अब वो पिल्ले को कहाँ पर ढूंढे और पूरे चिड़ियाघर में शोर मच गया। तभी उन लोगों को पता लगा कि जो पिल्ला है वो घूमते घूमते चिड़ियाघर से बाहर चला गया है। बाहर एक दुकान थी, दुकानदार के बेटे ने उसे उठा लिया। जब पिल्ला घूमते घूमते चिड़ियाघर से बाहर चला गया तो चिड़ियाघर के बाहर ही एक दुकान थी जहां पर दुकानदार के बेटे ने उस पिल्ले को उठा लिया और घर ले जाकर उसे रस्सी से बांध दिया और उस पिल्ले को घर ले जाकर रस्सी से बांध दिया। पिल्ले ने भी वहां अनशन कर रखा था। अनशन का मतलब है खाना पीना छोड़ देना। जैसे शेरनी ने खाना पीना छोड़ दिया था, उसने 4 दिन से कुछ नहीं खाया था, ऐसे ही पिल्ले ने भी उनके घर जाकर, जब दुकानदार का बेटा उसे उठाकर ले गया तो उसने वहां जाकर अनशन कर लिया, यानी सब कुछ खाना पीना बंद कर दिया। रक्षक पिल्ले को वहां से ले आए। रक्षक जो है, जब उन्हें पता लगा कि वो उस दुकानदार के बेटे के पास हैं, तो रक्षक पिल्ले को उनके घर से चिड़ियाघर में वापस ले आए। उन्होंने उसे फिर से शेरनी के पिंजरे में डाल दिया। उन्होंने उस पिल्ले को उठाकर वापस शेरनी के पिंजरे में डाल दिया। शेरनी अब शांत है। जो शेरनी पहले इतना गुर्रा रही थी, इतने गुस्से में जोर जोर से आवाजें निकाल रही थी, अब वो बिल्कुल शांत हो गई। पिल्ला प्रसन्न है, पिल्ला बहुत खुश है, इधर उधर कूदकर वह अपनी खुशी प्रकट कर रहा है, क्योंकि जानवर जो है वो बोल नहीं सकते तो वो इस तरह से अपनी खुशी प्रकट करते हैं। तो वो कूद कूद कर अपनी खुशी प्रकट कर रहा है। बस अब चारों ओर आनंद ही आनंद है, यानी अब चारों ओर हर तरफ खुशी ही खुशी है।